तो जी दोस्तों, माशाल्लाह से हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा सफर जो है रवा दवा है। बेटों की वजह से परेशान है, काम की वजह से परेशान है, उनके काम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुबतला हैं अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा व्लॉग हो गया स्टार्ट, और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है और माशाल्लाह से हर जगह रौनके ही रौनके हैं, नातों की धूम मची हुई है, जलूस हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब भी बाहर जाओ, मार्केटें सब बंद हैं, माहौल बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो अभी मैं व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं जुम्मा पढ़ के फिर इधर अभी आया हूँ। पहले मैं गया था सिटी खानपुर, उधर से ट्रेन वगैरह का पता करने, बस का पता करने, तो वो जो है उधर मतलब के रश की वजह से बंद थे, जो बसों वाले वो नहीं बैठे थे, और जो ट्रेन है वो फिर मैंने कहा उधर फिर दूसरों से पूछूंगा, उसके बाद फिर पता करूंगा। तो फिर अभी जो है अफजल भाई और अल्ताफ़ भाई, अल्ताफ़ फैमिली व्लॉग वाले, वो बाहर से वो आए, तो आए हुए हैं चौक पर, उन्होंने बुलाया कि आओ और टिकट करवाते हैं, इधर से चौक से ही बस से करवाते हैं। तो अभी फिर चलता हूं उधर जाकर वो टिकट करवाते हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, आपने साथ रहना है, तो चलते हैं फिर टिकट कराना है। हाँ लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। ये कहता है कि मेरा मोबाइल और इनका सबका मोबाइल लेके आना। चलो मैं चलता हूँ फिर उधर से, ये बाइक खड़ी है मेरी और वो चौक है वो सामने, गली के सामने, तो चलते हैं फिर टिकट करवाते हैं फिर वापस आते हैं। तो जी दोस्तों, टिकट जो है चाचे वाले से करा ली है यहाँ पर, और मौलवी साहब माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक उत्तरी है। ये तो बाबा वो बना हुआ है हीरो, क्योंकि वायरस आई है आपको पता है, वायरस इसलिए ये फायदा है इसका, ये अच्छी बात है। चलो जी, हमारी टिकटें जो है चाचे ने ओके कर दी हैं, और यहाँ पर शहर भाई क्या हाल है, इरफान सर क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए आप भी आए हो, आपने कराची जाना है, नहीं जाना, चलो जी टिकटें ओके हो गई, चले फिर कहाँ चले, कहाँ चले, टिकटें करा ली फिर घर क्यों जाना है, गाड़ी पे चलो, 7:30 बजे आएंगे। अच्छा 7:30 बजे, तो जी दोस्तों गाड़ी का टिकटें जो है हमने करवा ली हैं, तो 7:30 गाड़ी आएगी, फिर जो है इधर से फिर कराची रवाना होंगे चाचे भाई। तो चलते हैं फिर घर की तरफ, उधर जो भी है माहौल वो भी आप लोग उसे शेयर करेंगे। फाइनली पहुँचाया वापस घर, टिकट वगैरह टिकटें वगैरह करा के, और परी खड़ी है इधर, क्या कर रही हो, खेल रही हो, और मेरा यार बैठा है, अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है, तबीयत ठीक है, खुश हो, मौज लगी हुई है, लेकिन नीचे लगाई हुई थी क्या, ये चंबूटी नीचे लगाई हुई थी क्या। हाँ वाह जी वाह, अलीजा ने देखे मेहंदी लगाई हुई है, उई आपने भी लगाई है, आप भी जा रही हो, ये बस की करा आया हूँ, योटांग की, योटांग अलफरीद जो जाता है इधर से हमारे सिटी से मेल चौक से ही जाता है, उधर से कराई है, किराया बस नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है। और आप क्या पूछ रही थी, मैं के कितनी बजे, कितनी बजे, 7:30, 7:30 बजे, हाँ 7:30 बजे इधर से, 7:30 पर, 7:45 पर गाड़ी आएगी, तो 7:30 पर बोला कि आ जाना आप सब, तो फिर हैं 9 टिकटें कराई हैं, 9, हाँ नौ? अफजल की, अफजल भाई की घर वाली, अफजल भाई और शहद उसकी घर वाली, और अल्ताफ़ भाई वो मौलवी अल्ताफ़ वो उसकी घर वाली, 6 वो हैं, 2 हम, 8 एक इरफान है, हाँ वो अब जा रहा है, इरफान भी जा रहा है, 9 बंदे पूरे जा रहे हैं। हाँ जी,
और ये देखो सो रहे हैं इधर, सोते रहो। इधर जो है, इधर जो है बेगम साहिबा जो है वो वो तैयारियां कर रही है, मेहंदियां लगवा रही हो, शादी पे जा रही हो। शादी से भी बहुत ज्यादा खुशी है ये। अच्छा हाँ जी, लगाई हुई है वो देखो परी, आपने लगाई है मेहंदी लगाई है, वाह जी वाह, माशाल्लाह परी ने भी मेहंदी लगाई है, देख लें प्यारी लग रही है। अच्छा वो टिकटें हो गई हैं, माशाल्लाह हो गई है। हाँ, कितने बजे जाना है फिर? 7:30 पे। अपनी तैयारियां करो, मुकम्मल सामान वगैरह जो है उठाओ, जो मेरे चार्जर वगैरह हैं वो उठाओ, तो सब कुछ उठाओ, उसके बाद जो है 7:30 अपनी फ्लाइट इधर से उड़ेगी। वो बस पे हुई है, गाड़ी पे जो है ना उधर गाड़ी का मसला था। अच्छा। वो टिकट नहीं मिलती, लेट हो जाता। अच्छा। तो इसलिए फिर ना गाड़ी बस पर ही करवाया है, वापसी पे देखेंगे फिर गाड़ी होगी। हाँ ठीक हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई। ठीक क्या हो गया, अचानक से सलाम याद आ गया। तो सलाम नहीं किया था ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो अभी कर रहे हैं तैयारी कराची जाने की, तो सब ने दुआ करनी है कि खैर से जो है हम घर पहुँच जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ये देखिए, ये तैयारी हो रही है, ये मेहंदियाँ लगी जा रही है जैसे शादी पे जा रही हो। नहीं वो ना ऐसा होता है कि जवेरिया, ये अलीजा को क्या है परी, रो क्यों रही? नींद से उठी है ना, ऐसे रो रही है, चुप नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओए होए, उसको नींद पूरी नहीं हुई ना। हाँ जी चलो इसको चुप कराओ फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्ताफ भाई आप मिल लें, क्योंकि मेरे देखने वालों को पता चले। तो जी अल्ताफ भाई मेरा नाम नाम आ चुका है माशाल्लाह से, इतनी दूर से सफर करके रत्ता लाल होके। हाँ, तो इनको छोड़ने आया था मैं, लाल तो होना था क्योंकि गर्मी थी और बस में थे। हाँ, तो रत्ता लाल होना था। चलिए बैठते हैं। हाँ जी, और ये देखो इसके काम, अस्सलाम वालेकुम। और आप काम नहीं, दो दो तीन दिन दुआ मिले, क्या हो गया यार? अस्सलाम वालेकुम यार, वो ऐसे है ना, हर कोई अपनी वीडियो में मिलता है। अच्छा, तो मैं अपनी वीडियो में मिल रहा था, मेरे जो देखने वाले टिकटें करवाने गए थे उस वक्त मिले थे। हाँ ये बात है। चलो जी माशाल्लाह से अल्ताफ भाई आ गए और भाभी भी साथ आई हैं, तो इनको यार धूप में बिठा दिया। अच्छा हाँ ठीक है, पंखा कहाँ है, पंखा लगा दे, पंखा ये है ना, इसको लगा दे, चला दे, चलता है। हाँ ना चले तो फिर दौड़ता है, दौड़ भागता है फिर। चलो जी इधर आ गए हैं, इधर इनको हाल हवाल थोड़ा सा लेते हैं अपने पर्सनल लाइफ का, तो उसके बाद फिर जो है चलेंगे घर की तरफ, और मेहमान जाने मेज़बान जाने। ओके ऐसे बहुत शुक्रिया। हाँ क्योंकि अल्ताफ भाई को मैंने बोला मेरे घर चलो, बोला कि नहीं उनके घर ना मेरी दावत बनी हुई है और टाइम बहुत कम है, 2-3 घंटे का है, तो हमने ना इधर से खाना वगैरह खाना है, रेस्ट भी रेस्ट करना है, रेस्ट सफर में गुजरा। हाँ जी बिल्कुल, तो भाई ने फिर थके हुए हैं ना भाई और भाभी, तो इसलिए फिर कहते हैं कुछ हाँ कुछ देर रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप भी जा रहे हो ना, मूड तो है मूड है ना, चलो फिर ठीक है, पक्का मूड है ना, अभी जा रहे हो ना? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी रूह भी जा रही है। और ये भाई जा रहे हैं, वो तो रूह साथ है, हम जब जहाँ भी जाएंगे रूह तो साथ होगी ना। हाँ हाँ, अकेले कहीं जा सकते हैं अभी? हाँ अकेले जा सकते हैं, कैसे ख्यालों में। चलो भाई जान आए, ये भाई शहीना मोहसिन, शहीना मोहसिन, शहीना यासीन व्लॉग। तो मोहसिन क्यों बोला? हाँ जी शहीना यासीन व्लॉग, ये न्यू यूट्यूबर हैं आप? माशाल्लाह जी ये न्यू यूट्यूबर हैं, और ये भी यूट्यूबर आए हैं, इनके चैनल पर भी विजिट करना है। इनके यहाँ आए हुए हैं मेहमान हैं या आपका घर भी इधर है? नहीं ये हम जो है ना एक साथ आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, अब मुझे समझ आई, ये मेरे खानपुर वाले ये चीज, ठीक ठीक। अब ये जी ये भाई है, ये इधर है, इसी हमारे सिटी का है, तो चैनल पर नया आया है, तो आपने इसके चैनल पर भी विजिट करना है। ओ यार मौलवी यार, मेरे चैनल का भी विजिट करना है। हाँ मौलवी के चैनल का भी विजिट करना है, और मौलवी की बेल भन देनी है। जो घंटी है ना तोड़ देनी है, घंटी को थोड़ा मार देना। हाँ तोड़ देना है, क्योंकि मौलवी साहब, अच्छा मौलवी साहब मेहमान आपके आ गए, मैं जाऊँ फिर? नहीं आपने कोई खाना पीना बना? नहीं खाना पीना तो आई एम फुल। अच्छा। बाकी पानी पी लेंगे, पानी आ रहा है ठंडा। हाँ पानी पीते हैं फिर जो है मैं जाऊंगा, क्योंकि आपने टिकटें जो करा दी हैं। हाँ। वो फिर घर वालों को तो बोलना है जल्दी करो तैयारी करो। हाँ
कपड़े के पांच पांच सूट लेके जाने हैं। सिर्फ सिर्फ पांच? हाँ। मैं समझा कि 10-12 लेने आए हैं। चलो दो लेके जाऊंगा। चलो काफी है। कराची से ले लेंगे। हाँ कराची से ले लेंगे। हाँ, चलो ये सही है ना। हाँ, फिर वजन नहीं उठाओ। और भाभी जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, क्या हाल है? ठीक तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाभी जी, आप काली क्यों हो गई? बस वैसे काली नहीं, इधर काम बहुत ज्यादा होता है गर्मी में। उधर थोला होता है। उधर भी होता है, इधर भी। उधर का इधर थोला होता है। उस साइड से चल रहा है उधर वाला। अच्छा अभी वही है। चलो अल्लाह पाक खैर करे, चिट्टी हो जाए जल्दी से। हाँ इंशाल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ भाई को दो, मेरे नाम शरीक को। ये सफर करके आए हैं। हाँ तो मैं फिर पी लूंगा, कोई नहीं। मेरे तो घर की बात है ना, मुझे क्या टेंशन। हाँ आपका घर है, हम क्या। हाँ मैं तो ना भी दे, मैं खुद उठा के पी लूंगा, खा लूंगा, मुझे क्या। कोई बात नहीं। हाँ जी चलो जी, भाभी जो है पानी दे रही है, और उधर जो है वो देखे उनके काम। ये मियां बीवी जो है खाना पकाने में लग गए। ऐसे क्या पके में प्यो? कट्टे का गोश्त। चलो पकाओ पकाओ वाला। तो जी इनका किचन देखे माशाल्लाह से, ये देसी माहौल का है। उधर बैठे हुए हैं, और ये घर है यहाँ पर ये रह रहे हैं। जंगल के मैं जंगल के अंदर मंगल। तो पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद फिर आगे चलते हैं। मैं वापस आ गया घर, उनको छोड़कर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी करते हैं। और आज 12 रबीउल अव्वल की थी, मैंने कहा चलो आज जो है ये फ्रूट ये लेकर आए हैं। हाँ ये लेकर आए हैं, ये जो है ये बांटेंगे। ये जापानी फल है, जापानी फल। हाँ इसका नाम है एप्पल। हाँ इसका नाम एप्पल है। तो ये लेकर आया हूँ, ये फिर बांटेंगे बच्चों में, घर वाले भी बच्चे सब खाएंगे। तो अम्मी तेरी कहाँ गई? उधर उधर है, कॉल आ रही है। चलो जी कॉल सुनते हैं फिर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 12 रबीउल अव्वल का जो है, 12 रबीउल अव्वल का ये अहतमाम किया है बेगम ने। स्पेशल ये फ्रूट वगैरह मंगवाए हैं, बोली कि आज ना 12 रबीउल अव्वल है, तो आप हमारे प्यारे नबी इस दिन आए थे इस दुनिया में, तो ये उनके लिए है कि थोड़ा सा ऐसे जितना हमारी फुर्सत थी उसी हिसाब से ये कर रहे हैं, जो बच्चों में तकसीम करेंगे और हमसाइयों में भी तकसीम करेंगे। और बेगम जो है नात पढ़ने वाली है, वो कौन सी नात है वो भी आपको सुनाएंगे, और दुआ वगैरह भी करते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी ये छोटी सी जो महफिल बनाई है, सजाई है, अल्लाह पाक इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। तो जी अब आमीन आमीन। हाँ जी खुशी में जो है ये थोड़ा सा इंतज़ाम किया है या अल्लाह, ये अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाना या अल्लाह, तमाम परेशानियां दूर करना या अल्लाह, हमारे जो भी दुख हैं जो भी परेशानियां हैं वो दूर कर देना या अल्लाह, हर मुसलमान की हर इंसान की तमाम परेशानियां दूर करना या अल्लाह, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना या अल्लाह, जो बेरोज है उन्होंने रोजी अदा करना या अल्लाह, जो बेघर है उन्होंने अपना घर नसीब करना या अल्लाह, जिनको बेटियों की परेशानी है उनके बेटियों का अच्छे रिश्ते हो जाएं, उनकी जो बेटों की वजह से परेशान है, काम की वजह से परेशान है, उनके काम नौकरियां जो हैं वो लग जाए, अच्छी जॉब मिल जाए या अल्लाह, हर मुसलमान की परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह, जो मेरी माँ है जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा या अल्लाह, हमारी जो भी परेशानियां हैं इस छोटी सी खैरात के सदके अपने नबी पाक के सदके हमारी ये छोटी सी कबूल और मंजूर फरमाना या अल्लाह, हमारी तमाम परेशानियां दूर करना या अल्लाह, या अल्लाह हमारे हर दुख तकलीफ हर मुसीबत से दूर रखना या अल्लाह, हर परेशानी से दूर रखना या अल्लाह, हर मुसलमान की दुख तकलीफें दूर करना या अल्लाह, हर परेशानी से दूर रखना मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह हर मुसलमान की परेशानियां दूर करना।
इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह सुबहानअल्लाह। तो जी नात होगी, आप बांटें ये और माशाल्लाह से ये दें, बस्तियों में बच्चों को दें, ये साहब जो है साथ साथ घरों में हमसायों में दें, तकसीम करें, और अब्बू अम्मी बैठे हैं फिर उनको भी दें, बाकी बच्चे अपने जो हैं उनको भी दें और साथ वालों को भी दें, बांटें फिर। ठीक है, ठीक हो गया। तो जी टाइम हो गया है रवानगी का, जो हमने तैयारियाँ कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर बेगम जो है ये देखें, ये कितनी देर है, बस अभी चल रहे हैं। हाँ जी, अभी ये बुरके पहनने हैं, ये बुरके नहीं, बुरके तो नहीं है, बस चादर ही है, ये पहनूंगी। हाँ जी, ये चादर है, ये मरी वाली है, जो मरी से लेकर आया था। हाँ, जो आप लेकर आए थे मेरे लिए गिफ्ट। हाँ, जो ही पहनना है। हाँ जी, और ये देखो, बस बस बस, कहाँ जा रही हो, इधर इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ। हाँ, आप बोलो कहाँ जा रही हो। पुप्पो कौन सी, शर्मा रही हो, कौन सी पुप्पो, परी कहाँ जा रही हो, ओए परी इधर। कोई नहीं, कपड़े हैं, कौन उठाएगा। परी परी इधर देखो, परी कहाँ जा रही हो, नहीं खोलो बेटा इसको, चलो। ओए परी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, बताओ कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, फुफ्फो के घर। हाँ जी, फुफ्फो के घर जा रही है। तो जी हमने तैयारी वगैरह कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, सब फाइनल हो चुका है, अब जो है चलते हैं
अफजल भाई वाले उनको कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं, तो बस भी आने वाली है। तो अब इधर से रवाना होते हैं इंशाल्लाह। आप सब ने दुआ करनी है कि हमारा सफ़र जो है बहुत ही अच्छा गुजरे और पुरसकून गुजरे। फर्स्ट हमारा पहला सफ़र है बेगम के साथ, बच्चों के साथ, मेरा ख़ास तौर पर लंबा सफ़र जो है। बाकी वैसे मैं तो करता रहा हूँ काम के दौरान भी, काम के लिए भी, ऐसे और जगह सरगोदे वगैरह इन इलाकों में भी जॉब करता था, तो मैं बसों पर ही जाता था। तो अब जो है ये फर्स्ट है। हाँ जवेरिया, आपके लिए क्या लेकर आऊँ? सिलाई मशीन। हाँ जी, इसके लिए सिलाई मशीन लेके आनी है। ये ऐसे नहीं कहते थे कि हमें नहीं रुकना, हमने जाना है, तो ये चीज़ें अपनी अपनी बता रहे हैं। आपके लिए क्या लेकर आनी है? मोबाइल गेम। आपके लिए? मेरी भी वही गेम। अच्छा, हाँ मीना, दुआ कर सब अल्लाह से तो साथी आए। हाँ बड़ा सजू को। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकर आए। जुमला ले जाओ जो सो। हाँ गुलाबी है शीश तरफ गहना उसको। हाँ हाँ जी, अम्मी जान, अम्मी जान जा रहे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह बाप अल्लाह पावे खैर नाल। दुआ करना खैर खुशी से। खैर नाल बन्यो तो खैर नाल आप बोला माशाल्लाह बाप। खैर नाल खैर नाल बन्यो। अम्मी जान ठीक है? ठीक है। हाँ दुआ करना खैर खुशी से पहुँच जाए। हाँ बाकी ठीक हो गया? हाँ जी माशाल्लाह खैर खुशी से जाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन। निके निके बाल है ना बा खैर ना तू। हाँ तू भी खैर दे दा एक भी पासे रोली वदा रहे। नहीं नहीं एक साथ होंगे ना, जब भी होंगे एक साथ ही होंगे। वो एक मेरे हाथ में होगी, एक उसके हाथ में होगी। हाँ और वो अयान सो गया। चलो अम्मी जान ये ले पैसे, ये 100 मीना को देना है, 100 फरहान को, 100 आतिफ को, 100 जहरिया को, 100 अयान को। हाँ जी आसा फजल छु। हाँ वो देखो वो तेरी भाभी पैसे दे रही है। हाँ जी आपी ई जहां भाई काफी वो जे नवी जे वन है। हाँ आपके पास पैसे होंगे तो आप ना 1000 रुपया अम्मी भाई को दे दो, वो खर्चा वगैरह करेंगे। हाँ मैं दे देता हूँ। चलो जी सब कुछ ओके है, अब चलते हैं फिर बस अड्डे पर। तो जी अब हम जा रहे हैं, घर से रवाना हो चुके हैं और नज़र कुछ नहीं आ रहा नीचे, तो जाते हैं फिर बस अड्डे पर। बाकी पीछे से आ रहे हैं वो, उधर जाकर फिर वीडियो का भी एंड कर देंगे। अभी उधर जा रहे हैं बस अड्डे पर। तो जी दोस्तों माशाल्लाह से हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारा सफ़र जो है रवां दवां है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं फिर सीधा कराची। इस तरफ होकर रास्ते में जो है वो भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, आपने साथ रहना है। और हमारी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ देखें अल्ताफ़ भाई और भाभी जी, और इधर ये देखें ये सोया पड़ा अभी से और अफजल भाई और उसकी बेगम और इरफान, ये सब जो हैं आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पिछली वीडियो हमारी ये बन रही है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोलो।